गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोदक तो सभी घरों में बनाया जाता है, तो आज मैं भी आपके साथ एक बहुत ही सिंपल आसान से मोदक की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मलिका किचन खास में, और गणेश चतुर्थी का आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेन लिया है और गैस को मैंने धीमी आंच पर अभी कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल रही 2 कटोरी दूध। तो 2 कटोरी दूध मैंने एकदम फुल क्रीम मिल्क लिया है यहाँ पर, और अभी इसे हमें गर्म होने देना है, यानी कि उकलने देना है अच्छे से। तो ये देखिए इसमें उकाल आ गया है दूध में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शक्कर मैंने बहुत थोड़ी सी ली है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लिए, क्योंकि 4 से 5 चम्मच शक्कर हमें इसमें डालना है, क्योंकि जब हम इसमें फिलिंग करेंगे वो भी एकदम मीठा रहेगा। तो इसलिए शक्कर मैंने इसमें 5 चम्मच शक्कर ली है। और 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ शुद्ध घी, और अब इसे हमें चलाते हुए उकलने देना है। तो दूध में शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है और दूध अच्छे से उकलने लगा है, तो मैं इसमें डाल रही 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर। तो यहाँ पर मुझे थोड़े से येलो मोदक चाहिए, इसलिए मैं येलो कलर डाल रही हूँ। आप कोई और कलर पसंद करते हैं तो वो कलर इसमें डाल सकते हैं, और नहीं तो बिना कलर के भी आप इसे बना सकते हैं। तो अच्छे से उकलने के बाद इसमें हमें डालना है राइस फ्लोर, यानी कि चावल का आटा। तो चावल के आटे को अच्छे से बारीक एकदम से पीसना है मिक्सर में, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एकदम बारीक पीस लिया इसे, और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और दूध को चलाते जाना है। तो चलाते हुए ही डालते जाएँ, क्योंकि रोकेंगे तो ये गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए हमें। और चावल का आटा डालने के बाद इसे 10 मिनट तक हमें धीमी आंच पर इसी तरह से पकने देना है, जिससे चावल का जो कच्चापन होता है वो भी हट जाए और जो गुठलियाँ है वो एकदम से इसमें से हट जाए, यानी कि बिल्कुल भी इसमें लम्ब्स ना रहे। तो इसे मैं इसी तरह से चलाती रहूँगी, चलाना छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएगी, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। और अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच मिल्क पाउडर। तो खाने की छोटी चम्मच से मैंने इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है, और इससे क्या होगा, मोदक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यदि आप ना डालना चाहें तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। और अब इस तरह से उसे अच्छे से मेश कर दीजिए, मसलते हुए इसे इस तरह से चलाएं, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना रहे और एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए इसका। और 5 मिनट तक मैंने इसी तरह से इसे धीमी गैस पर और पका लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही 2 चम्मच घी। तो जब पूरी तरह से मसाला हमारा तैयार हो जाए तो इसमें ऊपर से डाल दीजिए 2 चम्मच घी। इससे क्या होगा, एक तो हमारे मोदक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसमें बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी। तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ऊपर से घी डाला है, और यहाँ पर इसे अच्छे से चला दें, जिससे ये पूरी तरह से घी इसमें मिक्स हो जाए। तभी आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ इसका डो जैसा, आटा जैसा तैयार हो गया, और ये पूरी तरह से पक गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो इसे अभी हम बोल में निकालेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक कितना सॉफ्ट एकदम मावे जैसा इसका टेक्सचर आ गया है। तो इसे अभी मैं बोल में निकाल ले रही हूँ। और अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए इसी तरह से छोड़ देना, जिससे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग छोटे चम्मच से 2 चम्मच गुलकंद लिया है। इसका टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा था, इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छी लगती है मोदक में। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच नारियल। तो यहाँ पर मैंने नारियल का गोला लिया है, और उसे ड्राई नारियल जो आता है उसे इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और अब मैंने इसमें डाला है थोड़े से बादाम और थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, और अब इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लें। और हाथ से इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लें, जिससे पूरी तरह से गुलकंद सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए हमारा फिलिंग के लिए जो मसाला था वो रेडी है। तो इसके छोटे छोटे से हमें अभी गोली बनाकर रख लेना। इसी साइज़ के हमें छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर तैयार कर लेना है।
तो यहाँ पर सारी गोली बनके तैयार हो गई और अब हम इसे मोदक में भरकर मोदक बना लेंगे। तो यहाँ पर अभी जो चावल का जो मैंने मोदक के लिए जो मसाला तैयार किया वो अभी हल्का गुनगुना है, बिल्कुल भी पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है हमें। और यहाँ पर मैंने मोदक के लिए सांचा लिया है, इसे इस तरह से खोल कर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें जिससे मोदक इसमें आसानी से निकल जाएगा। और इसे अच्छे से पैक कर लें, इस तरह से बंद कर दें और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा लेकर इस तरह से डालते जाएँ और उंगली की सहायता से इसे इस तरह से चारों तरफ फैला दें और बीच में थोड़ी जगह रख दें जिससे हम इसमें ये जो हमने फिलिंग तैयार की उसे इसमें भर सकें। तो आप जितना इसमें आया उतना भर दीजिए, यदि बचे उसे थोड़ा सा बाहर कर दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से मसाला लगाकर इसे अच्छे से कवर। और अब बहुत ही धीरे से इसे इस तरह से निकालिए जिससे ये टूटे नहीं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका शेप आया। इसी तरह से हमें सभी मोदक बनाकर तैयार कर ले। तो यहाँ पर मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए। तो ये देखिए कितने सुंदर इसका कलर भी आया और इसका शेप भी बहुत ही अच्छा। मोदक के जो मोल्ड से हम बनाते हैं उसका शेप बहुत ही अच्छा आता है, देख सकते हैं। गणेश जी के लिए मोदक बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए। तो एक मोदक मेरा एक्स्ट्रा बना हुआ है तो मैं आपको उसे काट के दिखाती हूँ अंदर से उसकी फीलिंग कितनी अच्छी दिख रही है। ये देखिए अंदर से इसे बहुत ही अच्छा इसका फीलिंग दिख रहा है और ये बहुत ही टेस्टी लगते खाने में। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है और हमने इसे बहुत अच्छे से पकाया है इसलिए बिल्कुल भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि मोदक आपको पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय।